बनाने तो बना लीजिए, ठीक है ना। हाँ आपको टेबल देना चाहो टेबल बोल सकते हो, 100 तक कोई भी टेबल दो। और मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि मुझे हर बच्चे को ऐसा बनाना है और इनसे तेज बनाना है, ठीक है ना। ये बच्चे तो अभी कुछ महीनों का ही प्रैक्टिस है, जब ये बच्चों का कोर्स कंप्लीट होगा एक साल बाद तब आप देखेंगे कि आपको मतलब सरप्राइजिंग हो जाएगा, है ना। हालांकि मेरे पास बच्चा है जिसने अभी लगभग सवा साल के करीब कोर्स पूरा कर लिया है ना, लेकिन मैंने उनको खड़ा नहीं किया है क्योंकि हाइट में काफी लंबे लगेंगे, ऐसा लगेंगे जैसे कि बड़े बच्चे है ना। आप अगर इनको कोई भी नंबर दें, क्यूब रूट दें, ये तो नॉर्मली क्यूब रूट किसी को दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है करना मौके, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी नंबर से, या एक काम करो सर, एक कागज के अंदर लाखों की संख्या का एक एडिशन बना लो आप, कैसे, जैसे 4,281 उसमें फिर प्लस कर दो 2,81,000, यानी आप 5 डिजिट का कोई भी एक नंबर बना लो आप, वो एडिशन आपको करके दिखाएंगे। अभी तक तो आपने छोटे छोटे डिजिट देखे, मैं लाखों की संख्या का एडिशन करवा के दिखाऊंगा आपको। अभी मैंने एक क्वेश्चन सरों से बनवाया है जो करीब 5 डिजिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक बच्चे को दे रहा हूँ, ठीक है, और ये करके दिखाएंगे। और ये क्वेश्चन अभी मैंने सरों से बनवाए हैं और सब लोगों ने अलग अलग नंबर लिखे हैं, ठीक है। हाँ अब आप इसको टोटल करके देखिए सही है या गलत है। मैं नंबर बोल देता हूँ, सर्वों ने नंबर क्या दिया था, उन्होंने दिया था 24,789 प्लस करना था 69,080 उसमें प्लस करना था 78,654 उसमें प्लस करना था 37,521 और इसका आंसर आया है, अब आप देख सकते हैं 1,69,043। इतने बड़े डिजिट का एडिशन करना वो भी मौखिक एक बहुत बड़ी बात होती है और वो भी छोटे बच्चों के लिए, क्लियर। और इसके अलावा आप कुछ और पूछना चाहें, कोई डिवीजन, ठीक है, अगर आप डिवीजन देना चाहें तो मैं डिवीजन के लिए भी आपके पास आ रहा हूं। तो ये बताइए, इधर तरफ आ जाता हूं मैं, एक डिवीजन दिया है आपको, देखते हैं कि डिवीजन को मौखिक कर पाते कि नहीं कर पाते, क्लियर। डिवीजन ट्रिपल डिजिट को सिंगल डिजिट से डिवाइड करना है, कौन करेगा, सभी कर लेंगे, सब 9 से डिवाइड करना है, ओके थैंक यू। सबने क्वेश्चन दिया था 964 को डिवाइड करना था 9 से, आंसर आ रहा है, ठीक है ना, इसमें आपका 17 और टाइम और रिमाइंडर 1 बचा हुआ है। इसके अलावा कोई और नंबर देना चाहे तो आप दे सकते हैं, आपको मैम कोई भी ट्रिपल डिजिट, कोई भी ट्रिपल डिजिट लिख दो आप, सिंगल डिजिट डिवाइड कोई सिंगल डिजिट, आप इसको आंसर निकाल के रख
हाँ, ये लास्ट वाला टेलीविजन है, हाँ, अब सुनो आप, आपने कैलकुलेट किया होगा तो आंसर पॉइंटों में आएगा और इनका आंसर आ रहा है 88 और रिमाइंडर 6, यानी आपका आंसर आएगा 88 लगभग 33 के आसपास। क्लियर, तो ताली तो बजा सकते हो आप। आप कुछ और चाहिए भी, अगर ये हॉल बड़ा है, यहाँ बोर्ड नहीं लगाया जा सकता, अगर बोर्ड होता तो मैं आपसे 50,000 तक की टेबल से यहाँ पर लिखवा सकता था, ठीक है ना। क्योंकि तो काफी सारी चीजें होती है जो बोलने में बच्चे झिझकते हैं, क्योंकि तो आप सब लोग देख रहे हैं उनको, तो थोड़ी सी उनके अंदर एजिटेशन भी रहती है, लेकिन अगर बोर्ड पर देखते तो उनको आप नजर नहीं आता, बोर्ड नजर आता, तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी आप कर सकते थे। कुछ और भी अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, आप एक काम कीजिए, आप में से कोई भी एक मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अपने कैलकुलेटर निकालना हो, ठीक है। आप सुनो, इसने पता कितने सेकंड में किया, 1 सेकंड में, और मैम ने क्वेश्चन क्या दिया है, सुनो आप, ठीक है। 6,14,125 का क्यूब रूट, इन्होंने क्या दिया है, क्यूब रूट, और आंसर देख सकते हैं जो बच्चे ने लिखा है, 85 इसका आंसर है। क्यूब रूट का मतलब है 85 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर उसको 85 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज क्यूब रूट। आज अगर एक टीचर की भी बात करे तो इतने बड़े क्वेश्चन को क्यूब निकालने का सोचेगा ही नहीं, करना तो दूर की बात, सोचेगा नहीं, अगर सोचना है तो कैलकुलेटर बिना तो संभव ही नहीं है। अब आप सोचो, मैंने इनको स्क्वायर नहीं पूछा, इनको सीधा क्यूब रूट पूछा है, तो आप देख सकते हैं ये डेमोंस्ट्रेशन जो आपके सामने रखा गया, एक छोटा सा टेलर है और बहुत कुछ है जो इनसे कराया जा सकता है। अब क्या क्या कराया जा सकता है वो सुने आप, जब बच्चे को मल्टीप्लाई डिवीजन क्यूब रूट ये सब चीजें आ जाती है, तो आपको पता है कि 80% मैथ इन्हीं से मिलकर बना होता है। जैसे अगर आपको एक सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो बड़े बच्चे जानते हैं उसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन के अलावा कुछ होता है क्या, नहीं होता। अगर मैंने उनको कोई सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दूं तो 1 सेकंड निकाल दिया, एरिया निकालना रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, तो आपको पता है सिवाय मल्टीप्लाई और डिवीजन के कुछ नहीं होता। टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन, लॉस प्रॉफिट के क्वेश्चन, यदि आप देखेंगे कि आपको मैथ का ऐसा कोई टॉपिक नहीं छूटने वाला जो आपको दूसरे बच्चों से जीनियस बनाता है। क्लियर, तो आप कौन कौन बच्चे करना चाहेंगे इस कोर्स को, हाथ ऊपर करो, कौन कौन करना चाहेंगे, शर्मा जिसे तुम करना है। क्लियर, तो आप सब लोगों को ये कोर्सेज को सर उपलब्ध करा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कोर्स बहुत कॉस्टली कोर्स है। आप रिजल्ट देख रहे हैं, इन कोर्सेज के चार्जेस हम लोग बहुत ज्यादा लेते हैं बच्चे से, लेकिन सर का फैसला है कि आप लोगों को केवल या तो फ्री में या आपको जितना मेटेरियल का खर्चा आएगा उसी के अंदर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि लगभग इस पूरे कोर्स के अंदर आपको 17 तो बुक दी जाएगी, आपको 17 तो बुक दी जाएगी, और एक अबेकस का टूल दिया जाएगा जिसे कैलकुलेटर हम लोग कह सकते हैं, यानी लगभग 18 आइटम्स आप लोगों को दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बता देता हूं मैं कि अबेकस में मैथमेटिक्स का कॉम्पिटिशन होता है, तो इसके अंदर दो बच्चे यश मित्तल जो 2 बार चैंपियनशिप जीत के आए हैं, और आप ये बच्चे अभी जो मेरे पास आ नहीं पाए 5 बच्चे, उनके एग्जाम साइकिल से वो बच्चे लिम्का अवार्ड बुक के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी वो लोग 1 लाख तक केवल लिखकर दिखाएंगे वो, और लिम्का अवार्ड के लिए जा रहे हैं।
अगस्त को दिल्ली के अंदर एक कॉम्पिटिशन है, तो कम से कम 6 से 7 बच्चों को लेके जा रहा हूँ मैं वहां पर। वो बच्चे किसी एग्जाम की वजह से मैं ला नहीं पाया उन लोगों को, वो बच्चे जिनका 8th लेवल कम्प्लीट हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि आज मैं या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। अगर हम हमारे माइंड को उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड कर दें तो दुनिया की कोई भी चीज हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगी। नॉर्मली साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हम लोग हमारे ब्रेन का केवल 1% हिस्सा ही काम लेते हैं, जबकि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन का अगर दोनों का कोऑर्डिनेशन बढ़ा दिया जाए तो ब्रेन के अंदर इतनी अपार क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि बच्चा बंद आंखों से किताब पढ़ पाएगा तो कभी आप विश्वास करोगे क्या? नहीं है ना। कभी मौका मिला तो कोशिश करेंगे। मैंने मेरा जो बच्चा है वो उसकी आंखों में चाहे आप 4 पट्टी बांध दो तो अभी वो किताब पढ़ के दिखाएगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम।